अगर लाइट वेट नाश्ते की बात हो तो पोहे से बढ़िया और क्या होगा। तो चलिए आज बनाते हैं हम पोहा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। पोहा बनाने के लिए मैंने 2 कप सूखा पोहा लिया है। जो नॉर्मल घर में हम चाय के लिए कप यूज़ करते हैं, उसी कप से मैंने मीज़रमेंट ली है। अब इस पोहे को हम पानी डालकर एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे। इससे होगा क्या, एक तो पोहे के ऊपर जो गंदगी रहती है वो निकल जाएगी और ये थोड़ा सा फूल जाएगा। अब पूरे पानी को हम ड्रेन कर देंगे और फिर इस पोहे को इसी तरह से 2 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि पोहा अच्छी तरह से फूल जाएगा। इस रेसिपी के लिए जो थोड़ा मोटा पोहा होता है वही अच्छा रहता है। ध्यान रहे पूरा पानी अच्छी तरह से ड्रेन करना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो फिर ये पोहा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और बाद में इसकी लुगदी जैसी बन जाएगी, फिर ये खिला खिला नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैंने सारा पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया है। अब इस पोहे में हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और करीब 1 चम्मच चीनी इसमें मिला देंगे। अब हाथों की हेल्प से चीनी और नमक को पोहे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम साइड में रख लेंगे। अब चलिए देखते हैं एक बार पोहे के लिए क्या क्या सब्जियां हमको चाहिए। तो एक प्याज को इस तरह से लंबा लंबा करके मैंने काट लिया है, गाजर को छोटा छोटा चॉप कर दिया है, करी पत्ते और 2 हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। इसके साथ ही 2 मुट्ठी करीब मटर के दाने और 2 मुट्ठी कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। अब पैन में ऑयल को गर्म करेंगे और इसके बाद जो कच्ची मूंगफली के दाने हमने लिए थे उसे हम इस ऑयल में डालकर लाल होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही रखना है। अगर कच्ची मूंगफली के दाने नहीं हो आपके पास और भुनी हुई मूंगफली हो तो आप उसका यूज़ भी इस रेसिपी के लिए कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि कच्ची मूंगफली के दाने थे इसलिए मैंने इनको ही फ्राई कर लिया है। अब ऑयल में हम 1/2 चम्मच के करीब राई डालेंगे। राई को खूब अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को 1/2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च, मटर के दाने, करी पत्ता और बाकी जो भी सब्जियां हैं वो मिला देंगे। मेरे पास गाजर और मटर थे तो मैंने इनका यूज़ ही पोहा बनाने के लिए किया है। शिमला मिर्च, बीन्स और छोटे छोटे कटे हुए आलू का यूज़ भी कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी पोहे में बहुत अच्छा लगता है। अब सब्जियों को हम 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सब्जियाँ अच्छी तरह से पक जाएँ इसलिए ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। 2 मिनट के बाद इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे। एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमने जो सोक की करके पोहा रखा था उसे इसमें मिला देंगे। इसके साथ ही करीब 4-5 चम्मच पानी को इस तरह से हाथों की हेल्प से पोहे के ऊपर छिड़क देंगे। हाथों से छिड़कने पर पानी पूरे पोहे में एक जैसा मिल जाएगा। अब 1 मिनट तक सब्जियों को पोहे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसका पूरा कलर एक जैसा येलो ना हो जाए। अब पैन का ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और हमारा पोहा बनकर रेडी है। सबसे लास्ट में इसके ऊपर 1 नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। नींबू से पोहा खट्टा हो जाएगा और जो पहले हमने नमक और चीनी यूज़ करी थी उससे नमकीन और मीठा पोहा हो जाएगा। तो इस तरह से नमकीन, मीठे, खट्टे, चटपटे फ्लेवर वाला पोहा बनकर तैयार है। मैंने पर्याप्त मात्रा में हरी मिर्च का यूज़ पोहे में किया था इसलिए मैंने लाल मिर्च नहीं मिलाई है। अगर आपको ज़्यादा मिर्च खानी पसंद है तो आप लाल मिर्च का यूज़ भी पोहा बनाने में कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी टैंगी फ्लेवर वाला पोहा बनकर तैयार हो चुका है। ये पोहा बहुत ही न्यूट्रिशियस है और साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। स्वाद को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी भुजिया नमकीन हम डाल देंगे। आप किसी भी नमकीन का यूज़ टॉपिंग के लिए कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमने मूंगफली के दाने फ्राई किए थे उनको भी हम पोहे के ऊपर डाल देंगे
और बस पोहा खाने के लिए तैयार है। इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।